शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है, शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है, गुरु का आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। जय हिंद। और आप सभी का स्वागत है BSS ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज के इस क्लास में हम लोग टीचर्स डे यानी जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एसे के माध्यम से। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, इसको मनाने की शुरुआत कब से हुई और शिक्षक दिवस मनाने का इतिहास क्या है, इन सब के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, क्योंकि ये एसे है, सबको ये बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे जिस क्लास के बच्चे हों। तो अगर जो लोग इस चैनल पर नए हों वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब अगला वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज के क्लास को हम शुरुआत करते हैं और आज के इस क्लास को हम लोग देखते हैं। देश भर में हर साल 5 सितंबर को टीचर्स के सम्मान में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही टीचर्स डे मनाया जाता है। ये दिन शिक्षकों और छात्रों के लिए खास होता है। शिक्षक दिवस के मौके पर देश भर के स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षकों को सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एक ओर भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वहीं दुनिया भर में 5 अक्टूबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस यानी भारत में शिक्षक दिवस को हम लोग कब से मनाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, जो जिनके सम्मान में टीचर्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए देखते हैं भारत में शिक्षक दिवस। अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस यानी कि 5 सितंबर के मौके पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। राधाकृष्णन बड़े विद्वान और दार्शनिक थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जीवन के अहम 40 साल एक शिक्षक के रूप में देश को दे दिए थे। वहीं डॉक्टर राधाकृष्णन का भारतीय शिक्षा को संवारने में बड़ा अहम योगदान रहा। अब हम बात करते हैं दुनिया में टीचर्स डे यानी वर्ल्ड टीचर डे, ठीक है। तो साल 1994 में यूनेस्को ने शिक्षकों के सम्मान में 5 अक्टूबर को टीचर्स डे मनाने का ऐलान किया था, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जर्मनी, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूके, पाकिस्तान, ईरान आदि शामिल हैं। इसके अलावा 11 देश 28 फरवरी को भी टीचर्स डे मनाते हैं। तो कैसे टीचर डे मनाते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आप देख सकते हैं फोटोज कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो टीचर्स डे के मौके पर छात्र अपने सभी शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करते हैं। देश भर में स्कूल, कॉलेज और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में राधा कृष्णन को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस दिन छात्र अपने टीचर्स को मैसेज कार्ड और तोहफे देकर उनके समर्पण के प्रति आभार प्रकट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से कोई शिक्षक का पैर छू रहा है, ठीक है, कोई साथ में खड़ा है, और कई देखिए जो बुजुर्ग शिक्षक हो गए उनके पैर छू रहे हैं, अपने मम्मी पापा के पैर छू रहे हैं, क्योंकि माता पिता भी एक गुरु हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे टीचर्स को गिफ्ट दे रहे हैं, देखिए ये गिफ्ट दे रही है एक लड़की, और ये
फ्लावर्स देने के लिए खड़ी है, और ये देखिए ये प्रणाम कर रहा है यानी कि नमस्ते कर रहा है सर को। तो इस तरीके से बच्चे टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से आज के क्लास में हम लोगों ने जाना कि टीचर डे क्यों मनाया जाता है, ये कब से मनाया जाता है और इसका इतिहास क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस BSS ऑनलाइन YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जब अगला वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास या अगले वीडियो में। धन्यवाद।